इसकी बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के स्वागत में कनाडा की नगरी भी जुटी हुई है। प्रदेश सरकार द्वारा शहर को बड़ी ही भव्यता से सजाया जा रहा है। शहर के तिराहे और चौराहों को बड़ी ही सुंदरता से भव्य रूप दिया जा रहा है। सैकड़ों सफाई कर्मी शहर में साफ सफाई करने में लगे हैं, तो वहीं बिजली की व्यवस्था भी दुरुस्त की जा रही है। शहर की साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से सैकड़ों की सड़कों पर भी सफाई में दर्जनों सफाई कर्मी लगे हैं। कान्हा की नगरी को पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजाया गया, क्योंकि अजन्मे का जन्म नज़दीक है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी मथुरा में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। उसी को लेकर तिराहे और चौराहे और गलियां पूरी जगमगा उठी हैं। और लाइटिंग की बात करें तो पूरे मथुरा शहर में लाइटिंग की गई है, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को एक अलग झलक देखने को मिले, क्योंकि कान्हा की नगरी बिल्कुल पूरी तरीके से शासन प्रशासन ने पूरी मेहनत के साथ में कान्हा की नगरी को जगमगा दिया है। और जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जो लाइटिंग की गई है वो पूरी एक अपने आप में एक अलौकिक है और एक अद्भुत है, एक आकर्षित करने वाली लाइटिंग की गई है, जिससे जो बाहर से जो श्रद्धालु आए वो बिल्कुल उसको देख के एक यादगार बनी रहे वो। और पूरे मथुरा शहर को लाइटिंग के जरिए पूरा दुल्हन की तरह सजाया गया है। के न्यूज़ के लिए मथुरा से अभिनव उपाध्याय, फिलहाल यूपी राउंड।